Are you listening? Camera aaj ghat nazar aa rahe hain, ki gall hai? Damn. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा गौर से सुनिएगा मेरी कौम, अजीज हम वतनों कौम, एक सनसनी खेज बात करने को जा रहा हूँ मैं पीटीआई की नुमाइंदा हूँ। तुम पागल तो नहीं हो? वी आर अपसेट एंड फ्रस्ट्रेटेड। तुम्हारा दिमाग तो नहीं इलाज करवाने वाला? फटके तो इस तरह से आती है, खुफिया तौर पे अंदर घुसा रहे थे। अब तुम करते चले जाओ तर्जुमानियाँ और आवाम आपकी असल बात समझती जाएगी तुम क्या कह रहे हो। प्लीज बस करते हैं। आज रात को आपने इयान अली को आसिफ अली जरदारी की बहन डिक्लेयर करना है। पूरी कौम नहीं तो कम से कम हनीफ अब्बासी तुम्हें सलूट ना करे तो मैं हनीफ अब्बासी नहीं। हम थके हुए हैं। अब आप हरांगी की बात देखें, सुनते जाए जरा। आज सोशल मीडिया की वजह से कोई चीज छुपी नहीं रहती। ओ भाईजान मेरा तो सीधा सीधा काम है, मेरी फैक्ट्री है भाईजान। अपनी बारी आई है तो मैं अदालत का मैं मुझे क्यों निकाला? ऐसा तो नहीं होता ना। लिबरल्स बाएं छाएं बाएं दाएं ब्ला ब्ला ब्ला। अब मर्द बन के वो फेस करो। मैम तुम सैंडो खान बनने की कोशिश करो, आज फिर तुम्हें सर झुकाना पड़ना। मुझे ही पड़ गया कि जनाब तालिबान खान है। एक बैठे रहे सारे सियासतदान चोर हैं। नवाज शरीफ को एक ये क्रेडिट जाता है कि तमाम चोरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। वो आदमी जिसने 300 अरब रुपया चोरी किया इस कौम का, ये सारा काम नवाज शरीफ की स्वाबदीप पे और इमाम पे हुआ है। ये है रावलपिंडी का बनासी ठग, नाहल नकम्मे निकटू। तेरा भी सारा रिकॉर्ड आ गया है। ये क्या हो रहा है? मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब से भाग रहे हैं। ये इस गरीब कौम को लूट रहे हैं। नियाजी है जो हर वक्त झूठ बोलता रहता है। इमरान खान का भी वही केस है जो नवाज शरीफ का। वो इमरान खान नवाज शरीफ लीडर है, झूठ बोलता है, खा खा के इनका पेट नहीं भरता। और ये सुनते जाए, बड़ा मजेदार और दिलचस्प मरला है। ये थे कुर्बानियां दिए हैं। तुम करप्ट बाप की पैदावार हो। मैं तो स्टफनी को की। तेरे तो पेपर ही नहीं है। हमें नहीं पता कि किधर जा रहा है पैसा। मैंने चोरी किया टैक्स। आपको जवाब देना पड़ता है। आए अब मर्द बने। और आपको क्या है? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ये पैसा है इस कौम का। इस कौम को तुम्हारे बेवकूफ बनाने के दिन अब खत्म हो गए। आपने करप्शन से पैसा बनाया है। तुम्हारा एक एक झूठ हम साबित करेंगे इंशाल्लाह ताला। 30 साल से आप बच रहे हैं। तुम सर चुकाओ शर्म से और माफी मांगो कौम से। जनाब मुगले आजम साहब क्या कहते हैं? क्यों निकाला? ये कौन सा तरीका है? 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। वेरी नाइस। फौज की तो गोद में पले हुए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो मिठाई क्यों बांटी है? कल पूछो तो सही। इनकी बात गलत थी क्यों? साथ सुनने के लिए हौसला भी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।